everyone and welcome back to Azra Khan Fitness. I am a diet consultant. Along with that, I am a health and fitness YouTuber. और इस चैनल पे आपको health and fitness से related videos देखने को मिलेंगे. Especially if you are a woman, आपको बहुत फायदा मिलेगा यहाँ पे healthy recipes, tips and tricks और कभी-कभी workouts भी मैं share करती हूँ. उसके अलावा मैं अपने clients के weight loss transformations भी post करती हूँ ताकि उससे आपको motivation थोड़ा सा मिले कहीं ना कहीं और आपको एक push मिले एंड प्रॉपर गाइडेंस मिले जब मैं उनके डाइट प्लान्स आपके साथ शेयर करती हूँ. आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दीप्ति का डाइट प्लान. दीप्ति का एक सक्सेसफुल डाइट प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे दीप्ति की बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर डाली थी पोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर शी एनरोल्ड विद मी और बहुत सारे लोगों ने उस पिक्चर के नीचे भी कॉमेंट किया था, मुझे डीएम भी किया था कि आप उनका डाइट प्लान हमारे साथ शेयर करो. नाउ दीप्ति के बारे में थोड़ा सा मैं बता दें, हम लोग उसके एक सैम्पल डाइट प्लान में आपको दिखाऊंगा तरीके से मैंने उसके साथ वर्क किया. सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग के लिए एनरोल करते हैं तो आपको पर्सनल अटेंशन मिलता है. आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, आपकी नीड्स के हिसाब से आपका डाइट प्लान कस्टमाइज किया जाता है. सो ऑफ कोर्स जो मैं आपको डाइट प्लान शेयर करूंगी वो जरूरी नहीं है कि 100% आपको सूट करे. आप उसके साथ कुछ प्लस एंड माइनस करके डिपेंडिंग ऑन क्या आपको सूट करता है क्या नहीं एक सैंपल मिलेगा. उसके साथ आप एड ऑन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं सवाल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है एंड आई विल केटर टू योर क्वेश्चंस फॉर श्योर. तो दीप्ति जब मेरे पास आई थी शी वाज अराउंड 66 केजी पीसीओडी पेशेंट. तो पीसीओडी में क्या होता है कि वेट लॉस थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो जाता है. तो मेरा मोटिव यही था कि दीप्ति को जो भी मैं डाइट प्लान दूंगी उसके साथ उनका मेटाबॉलिज्म भी क्विक होगा, थोड़ा फास्ट होगा और प्लस ऑफ कोर्स उनका वेट लॉस भी अचीव होगा, इंच लॉस भी अचीव होगा. तो वही हुआ उनके साथ, शी जॉइंड मी फॉर 3 months. उन्होंने 3 महीने में अराउंड 10 kgs ऑफ वेट लूज किया. बट इफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी आप 10 kgs ऑफ वेट उनके डाइट प्लान की हेल्प से अराउंड 2 महीने में भी लूज कर सकते हैं. एंड 2 महीने में 10 किलो वजन अगर आप कम कर रहे हो इट इज रियली अ गुड प्रोग्रेस. मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी और अपना वेट लूज कर रही थी तो मैंने 2 महीने में अराउंड 11 kgs वजन कम किया था. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट क्या है, प्लस आपका जेंडर क्या है और आप किस तरह का डाइट फॉलो कर रहे हैं उससे आपका वेट लॉस होगा. कितना होता है वो तब पता चलेगा जब आप उसको एक्चुअली फॉलो करेंगे. बिफोर हैंड किसी भी इंसान का वेट लॉस कितना होना चाहिए वो एक बीइंग अ डाइट कंसल्टेंट इवन आई कैन नॉट टेल यू. तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वो नंबर मिलेगा. ऑन एन एवरेज आप कितना लूज कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया. If you are around 120 kgs suppose, तो आप 10 kgs in a month भी lose कर सकते हैं. तो see it varies. तो दीप्ति के केस में उनका PCOD था and हम लोगों का main focus था उनका healthy lifestyle adaptation plus उनका metabolism boost करना. Also she is working, so उसका meal prep का करना था and उसके लिए उनको रहना था बहुत ज्यादा disciplined, which I am glad she was. वो बहुत ज्यादा disciplined थी. मैं उसका morning weight उससे मांगती थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपना morning weight मुझे send नहीं किया. मॉर्निंग वेट बहुत लोगों को, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो नहीं मानते और कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो मॉर्निंग वेट नहीं सेंड करते. सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट. कोई डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है तो उसके रिजल्ट्स अलग होंगे. कुछ लोग होते हैं जो इतने डिसिप्लिन नहीं होते तो उनके रिजल्ट्स अलग होंगे. अगर आप इस डाइट को फॉलो करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो आप अगर डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे. एक दो दिन डाइट फॉलो करके किसी को रिजल्ट्स नहीं मिलते. सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ बैक स्टोरी दीप्ति का कि कितनी ज्यादा वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट थी. बीइंग अ वर्किंग लेडी, वो वर्किंग है, शी हैड पीसीओडी, मूड स्विंग्स, हार्मोनल सब कुछ होता है बट स्टिल शी फोकस्ड ऑन द डाइट प्लान्स एंड शी अचीव्ड हर वेट लॉस. व्हेन शी स्टार्टेड शी वाज लुकिंग लाइक दिस एंड व्हेन शी लेफ्ट माय प्रोग्राम शी वाज लुकिंग लाइक दिस. ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई कह नहीं सकता ये दोनों सेम. कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है, द वे यू ड्रेस अप कम्प्लीटली चेंज होता है इफ यू आर फुली कॉन्फिडेंट इन साइड योर बॉडी. करते हैं कि दीप्ति का डाइट प्लान, सैंपल डाइट प्लान मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके का उसका डाइट प्लान था. एक वीक का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें उसका मैक्सिमम रिजल्ट था. कुछ डाइट प्लान ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी पे मैक्सिमम इम्पैक्ट डालते हैं और वही टेस्टेड ऑन माई क्लाइंट्स वाली सीरीज में मैं लेके आती हूँ आपके लिए, जो आप अगर यूज करोगे तो आपका शायद मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर आपके सिमिलर सर्कमस्टांसेस है. हैविंग सेड दैट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है बिकॉज आपके लिए वो स्पेसिफिकली बनाया गया है. कोई फूड एलर्जी है उसको रिप्लेस कैसे करना है, किससे करना है, दीज आर द थिंग्स विच आई टेक केयर ऑफ इन पर्सनल ट्रेनिंग. सो आप उसको मॉनिटर करिए, इसमें कुछ है अगर जो आपको सूट नहीं करता है उसको रिप्लेस करिए कोई ऑल्टरनेटिव के साथ एंड यू विल बी गुड टू गो.
लेट्स बिगिन विद दीप्तीज डाइट प्लान. ये डाइट प्लान, दीप्ति का डाइट प्लान 5 मील्स में डिवाइडेड है. उठने के तुरंत बाद उसको लेना था जिंजर एंड सिनेमन टी. नाउ जिंजर सिनेमन टी के बहुत ज्यादा फायदे हैं, रियली हाई इन मेटाबॉलिज्म. उस टाइम विंटर्स थे तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी काफी हेल्प करता है. इट इज थेरेप्यूटिक एज वेल, बूस्ट द मेटाबॉलिज्म जो कि रिक्वायर्ड था दीप्ति की केस. सो आई इंट्रोड्यूस जिंजर एंड सिनेमन टी इन द मॉर्निंग. कुछ नहीं करना है, एक पैन में एक ग्लास पानी डाल, जिंजर को ग्रेट करके डालिए और हाफ जो पाउडर्ड फॉर्म में सिनेमन आता है वो आप ले सकते हैं, स्टिक फॉर्म में ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज अवेलेबल टू यू. उसको डाल के पानी को अच्छे से बॉईल करिए और जब अराउंड 5 मिनट्स तक पानी बॉईल हो जाए तो उसको स्ट्रेन करके आपको पी लेना है. ल्यूक वार्म कोशिश करें कि पिए. उसके बाद अराउंड 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं कंज्यूम करना है और फिर आपका मील 1 आएगा, दैट इज योर ब्रेकफास्ट. दीप्ति को 2 ऑप्शंस दिए थे. पहला ऑप्शन था मल्टी ग्रेन ब्रेड का सैंडविच. आप उसके अलावा ना ही आप प्लेन व्हाइट ब्रेड ले सकते हैं, नहीं आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं. अगर मल्टी ग्रेन ब्रेड अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप मल्टी ग्रेन रोटी को बनाइए उस ब्रेड के जगह और उसके अंदर स्टफिंग करिए जो मैं अभी बता रही हूँ. एक खीरा, एक प्याज, एक टमाटर को चॉप करके उसका सैंडविच बना के वो खाती थी. उसके ऊपर एक लेयर ऑफ होममेड चटनी कोरिएंडर एंड मिंट की, कोरिएंडर, मिंट, लहसुन और थोड़ा सा टमाटर डाल के वो होममेड चटनी बना के उसको लगा. उसके अलावा दूसरा ऑप्शन था मूंग दाल का चीला. आप येलो मूंग दाल का चीला और ग्रीन मूंग दाल का चीला दोनों ही खा सकते हो. दोनों की रेसिपीज इस चैनल पे है तो उसको जाके देख ले. उसके साथ कोई भी टी कॉफी नहीं. एज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम PCOD तो उसको डेयरी से हम लोग को दूर रखना. बेस्ड मिल्क आप ले सकते हो बट डेयरी कम्प्लीटली कट हो गया था पूरे 3 महीने के लिए दीप्ति की लाइफ से एंड शी सक्सेसफुली डिड इट. उसने एक बार भी मुझे नहीं बोला कि मैं ये नहीं कर सकती. सो दैट इज व्हाई आई एम सुपर प्राउड. मील नंबर 2 इज मिड मॉर्निंग स्नैक. मिड मॉर्निंग स्नैक में आपको लेने हैं हैंडफुल ऑफ नट्स अलॉन्ग विद 1 कप ऑफ ग्रीन टी या आप ल्यूकवार्म वाटर सिर्फ विदाउट ग्रीन टी भी एड करके उसको ले सकते हैं हैंडफुल ऑफ नट्स के साथ. नट्स को आपको सोक करके रखना है और नट्स होंगे 5 मुनक्कास, 5 आलमंड्स एंड 5 वॉलनट्स. मुनक्कास आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. वॉलनट्स और आलमंड्स हेल्दी सोर्स ऑफ फैट है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके डाइट में होना. जरूरी नहीं, वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि सारे सोर्सेज ऑफ फैट आप कट कर दो. हेल्दी सोर्स ऑफ फैट आपको इंक्लूड करके रखना चाहिए विच विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट विद ग्लोइंग स्किन. अक्सर लोगों का देखा गया है कि स्किन डल हो जाती है जब वेट लॉस करते हैं. दैट इज बिकॉज उनका डाइट प्रॉपर बैलेंस नहीं है. बहुत ज्यादा क्रैश डाइट की है तो ऑफकोर्स स्किन डल होगा बिकॉज प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं. फैट बहुत ज्यादा जरूरी है हेल्दी फॉर्म का. सो दिस वॉज हर मिड मॉर्निंग स्नैक. नाउ लेट्स कम टू द लंच. लंच दीप्ति का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था. 3 डेज उसको खाना था 1 बोल ऑफ पपाया अराउंड 200 ग्राम्स और 4 दिन उसको लेना था बार्ले का दलिया विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स इन इट. तो ये दोनों लंच ऑप्शंस थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं एंड शी डिड इट सक्सेस. मील नंबर 4 उसको लेना था रोस्टेड मखानास. अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड मखानास को घी में रोस्ट करना है. ऊपर से थोड़ा सा पिंक हिमालयन सॉल्ट चाहे तो डाल सकते हैं. मैंने दीप्ति को मना किया था, उसने नहीं डाला था. अलॉन्ग विद दैट उसने लिया था 1 कप ऑफ ग्रीन टी. Now let's come to the dinner. Dinner में भी उसको 2 options मिले थे. 3 दिन हफ्ते के उसको लेना था 4 dices of pineapple plus 1 orange, यानी कि full citrus उसकी body को alkaline बनाने के लिए. और बाकी के 4 दिन उसको लेना था mixed vegetable soup या chicken soup. दोनों की रेसिपी अगेन मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आप चाहे तो प्लेलिस्ट ऑफ माई रेसिपीज में जाके देख सकते हैं, आपको रेसिपी वहां से मिल जाएगी. नाउ लेट्स कम टू द नाइट ड्रिंक. और नाइट ड्रिंक में लेना था उसको सोने के अराउंड 1 घंटे पहले उसको नाइट ड्रिंक लेना था और उसको लेना था 1 ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर विद 15 ml ऑफ एप्पल साइडर विनेगर विद द मदर. अलोंग विद दैट उसने काफी लाइफस्टाइल चेंजेस भी लिए. दैट इज उनके स्टेप ज्यादा बढ़ गए, वो काफी एक्टिव रहती थी डेली. वर्कआउट वो नहीं मिस करती थी इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट शी वॉज गोइंग टू वर्क एवरी सिंगल डे. सो दीज आर द चेंजेस विच यू हैव टू अडेप्ट. उसका वाटर इनटेक अराउंड 12 से 13 ग्लास एवरी सिंगल डे था, जो आपको भी रखना है अपना वाटर इनटेक. स्लीप इन चेक रखनी है और ओवरऑल आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस डाइट प्लान को फॉलो करना है. खुश भी रहना है. जरूरी नहीं है कि वेट लॉस नहीं हो रहा तो आप स्ट्रेस हो जाओ, बिकॉज स्ट्रेस इज द वर्स्ट. अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं उसके वजह से बॉडी में अननेसेसरी इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं. खाना खाओगे तो भी इंसुलिन स्पाइक्स होंगे, स्ट्रेस लोगे तो भी इंसुलिन स्पाइक्स होंगे. तो क्यों ना खाना खा के इंसुलिन स्पाइक करें, राइट? सो स्ट्रेस नहीं लेना है. कीप कंटिन्यूइंग, कीप गोइंग थ्रू द प्रोग्रेस. इस डाइट प्लान के अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं, उसको भी फॉलो करिए कॉम्बिनेशन में एंड यू आर गोइंग टू सक्सेस. विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस टेस्टेड ऑन माय क्लाइंट. आई होप दिस वीडियो के डाइट प्लान फॉलो करके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आई वुड लव टू सी योर ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स. और डाइट प्लान को फॉलो करके ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो मुझे DM करें अपने पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी दैट. आई सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. गुड बाय.